ऑल हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में कलर चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो और इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाले टीवी टाउन पर ट्रेंड में रहने वाले शो बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। बिग बॉस सीजन 13 में इस बार कंटेस्टेंट्स काफी अलग हटके दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तमाम कंटेस्टेंट्स में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आलोचनाओं से घिरी रहने वाली एक ऐसी कंटेस्टेंट की जो कि बतौर टीवी एंकर पहले नजर आ चुकी है, तो उनका नाम शेफाली बग्गा है। बिग बॉस सीजन 13 के अंदर शेफाली बग्गा की एंट्री ने काफी धमाल कर दिया है। शेफाली बग्गा ने हाल ही में एक टास्क के दौरान जो किया उसे सोशल मीडिया पर सारा गुस्सा फैंस का शेफाली बग्गा पर निकला है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट किया, उनके खिलाफ काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। दरअसल मामला ये था कि सीजन 13 के एक टास्क में शेफाली बग्गा को आरती सिंह और रश्मि देसाई को टारगेट करना था और टारगेट करने के लिए उन्होंने उनके सोशल मीडिया पर सारी जो खबरें आती थी उसी पर बात की। यानी कि यहाँ पर रश्मि देसाई और आरती सिंह की पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर शेफाली ने तमाम ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स गुस्से में नजर आए। जी हाँ, मरीज वाली टीम का हिस्सा थी रश्मि देसाई और आरती सिंह। ऐसे में शेफाली मेडिकल स्टाफ बनकर यहाँ पर रश्मि और आरती का ईयर ट्रीटमेंट करने के लिए शहनाज गिल के साथ जब आई तो वहां पर उन्होंने तमाम सवाल किए पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए। इसी की वजह से सोशल मीडिया पर ये जो सारे ट्विटर पोस्ट देख रहे हैं आप शेफाली बग्गा के खिलाफ है। कुछ लोगों ने उनके शब्दों के प्रयोग को लेकर कहा कि बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई वो, तो वहीं उनके बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से टास्क खेलने के अंदाज को लोगों ने काफी ज्यादा बुरा बताया, बहुत चीप बताया शेफाली बग्गा के सवालों को बिग बॉस सीजन 13 के प्रशंसकों ने। और ये तमाम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स हैं काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं शेफाली बग्गा के खिलाफ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।